सचिन तेंदुलकर से पहले भी एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का कारनामा कर चुका है और जिसने महज 50 मैचों में 8 शतक भी जमाए हैं। ये खिलाड़ी है सांभर के राजेंद्र वर्मा। इनके बनाए रिकॉर्ड को जानकर हर कोई आश्चर्य करता है। ये अलग बात है कि उन्हें वो शोहरत नहीं मिली। मूलतः शाहपुरा के पास लोर गांव निवासी राजेंद्र 15 साल से सांभर में रहते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 में पढ़ाते हैं। साल 1991 में भारतीय नेशनल टीम दृष्टिबाधित में चयन के बाद क्रिकेट में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। मिलते हैं राजेंद्र वर्मा से। हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम आज आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सचिन तेंदुलकर के पहले दोहरा शतक मारा, लेकिन उन्हें वह ख्याति नहीं मिल पाई जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। आज हम मिलाने जा रहे हैं सांभर निवासी राजेंद्र वर्मा जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है और उन्होंने भारत का 3 वर्ल्ड कप में प्रतिनिधित्व किया है तथा उन्होंने सचिन तेंदुलकर से पहले दोहरा शतक मार के साबित कर दिया था कि किस हिसाब के खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें सरकारी मदद नहीं मिलने और प्रोत्साहन नहीं मिलने से आज गुमनामी के अंधेरे में है और उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। वे सांभर लेक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं और वहाँ पे वे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी मलाल है कि सरकार ने उनके कोई मदद नहीं दी। अगर सरकार मदद देती तो वो और भी आगे बढ़ सकते थे और अपनी इस जो दृष्टिबाधितों की क्रिकेट है इसको आगे बढ़ा सकते थे। आइए हम मिलाते हैं आपको राजेंद्र जी वर्मा से। रुचि किस प्रकार हुई? एक्चुअली जब मैं छोटा था, जब जो नॉर्मल क्रिकेट की कमेंट्री आया करती थी, उस कमेंट्री को सुन करके मुझे भी ऐसा लगा कि भाई जब ये लोग खेल सकते तो हम क्यों नहीं खेल सकते। उसी समय मेरी ये हुई कि भाई मैं भी क्रिकेट खेलूँगा, तो उसी समय ये मैंने सोच लिया कि एक दिन मुझे भी क्रिकेट खेल के आगे बढ़ना है। और आपने क्रिकेट की तैयारी किस प्रकार से की? एक्चुअली मैं जब हम छोटे थे तो हमारे पास ऐसी बॉलें होती नहीं थी, तो हमने जो पॉलिश की डिब्बी थी होती है उसी से हमने लुड़का लुड़का करके खेलना सीखा और बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े, बड़ी कक्षाओं में गए तो हमें बॉल का भी पता लगा कि भाई ऐसी बॉल होती है जो प्लास्टिक की बॉल लाते हैं और उसमें छेद करके और कंकड़ वगैरह है या कोई छर्रे वगैरह भर के उससे हम खेलना शुरू किया। अच्छा, और सर आपका सबसे पहले किस क्रिकेट श्रेणी के लिए चयन हुआ था? एक्चुअली मैं जो स्कूल स्तर पर इतना अच्छा खेलता था कि जितनी भी राजस्थान में स्कूलें हैं जी, तो वो सब ये स्कूलें हर चाहते थे कि हमारी टीम से खेले। अच्छा, तो जब हमारे टीम में नेशनल के लिए जा रही थी राजस्थान की टीम जी, तो डायरेक्ट मेरा सिलेक्शन हुआ था नेशनल के लिए। नेशनल के लिए? हाँ, 1991 में। इक्यानवे और नेशनल में मेरा ये रिकॉर्ड था कि फर्स्ट नेशनल पहला ही मैच जी, उसमें 146 नोट आउट मैंने कर्नाटक में, बेंगलोर की टीम थी जो कर्नाटक, उसके सामने बनाया। 1998 में इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया में ही शुरुआत हुआ था, तो उस समय पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1998 में जी, तो उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था टीम में, इंडिया टीम में, लेकिन किसी कारणवश मैं उस मैच खेल नहीं पाया था कोई भी, यहाँ मेरा सिलेक्शन 1998 में हो गया। और किन किन टीमों के खिलाफ आप खेले और आपका प्रदर्शन कैसा रहा उन टीमों के खिलाफ? मैंने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं तो सब में मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और B1 कैटेगरी का मैं खिलाड़ी हूँ और इंडिया की तरफ से जितने भी मैच हुए और जितने भी मैं खेला हूँ उनमें सब में ओपनिंग बैटिंग मैंने करी है और लगभग जितने भी देश अपने इंडिया खेला, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफ्रीका, ये सारे इन सभी देशों के खिलाफ मैंने मैच खेले हैं और सबके खिलाफ लगभग मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा है। और आपने 200 रन किस टीम के खिलाफ बनाए थे? 200 रन इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीरीज थी 2004 में, तो मैंने कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 200 रन बनाए थे। तो आपने जब 200 रन बनाए तो कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी ने आपने इसको प्रोत्साहित करने के लिए आपसे मिले या कुछ आपको किया ऐसा? नहीं, एक्चुअली में क्या, इंटरनेशनल जितने भी खिलाड़ी उस समय जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारे सकरीन मुश्ताक है, शेब अख्तर है, ये काफ़ी खिलाड़ी मिले, हम आपस में बातचीत हुई, हमारे साथ वो खेले भी, खिलाए भी। अच्छा। लेकिन जो इंडियन जो भारत सरकार को जो करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। आप किन किन देशों में जाके खेले पाकिस्तान के अलावा? मैं पाकिस्तान में 2 बार गया हूँ और 1 बार इंग्लैंड गया हूँ, 5 मैचों की सीरीज इंग्लैंड में खेली है
वहाँ पर भी मेरा मतलब B1 कैटेगरी में बेस्ट खिलाड़ी रहा हूँ। एक्चुअली में पाकिस्तान में मेरे 5 मैचों की सीरीज थी, उस 5 मैचों में जो हमारे चेयरमैन थे इंडियन क्रिकेट के, उन्होंने मुझे फर्स्ट मैच में ये बोला कि हमको आपसे सेंचुरी चाहिए। अच्छा, तो फर्स्ट मैच था हमारा, उस उन्होंने कुछ कहा नहीं था तो मैं 74 पर रन आउट हो गया था। अच्छा, फिर अगले मैच में उन्होंने कहा भी मुझे सेंचुरी चाहिए अगले मैच में, तो उस अगले मैच में मैंने 138 रन बनाए नॉट आउट। जी जी, फिर उसके अगले में कहा अब मुझे डबल सेंचुरी चाहिए, तो उससे तीसरे मैच में मैंने 200 रन बनाए थे। और सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, मतलब सरकार से क्या चाहते हैं आप? सर, सरकार से एक्चुअली मैं यही चाहता हूँ कि जो सुख सुविधाएं नॉर्मल क्रिकेट के खिलाड़ियों को या किसी भी नॉर्मल खिलाड़ियों को दी जाती है, वही सुविधाएं अगर दृष्टिबाधित खिलाड़ियों को भी मिले तो वो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि आज दृष्टिहीन भी वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो नॉर्मल खिलाड़ियों को मिलती है। जी जी, और सर राजस्थान में जो दृष्टिबाधित लोग क्रिकेट है उसमें किस प्रकार का माहौल है, सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं उनको भी, या किस प्रकार का माहौल है उसके प्रति? राजस्थान में क्रिकेट का माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि खिलाड़ियों में बहुत रुचि है, खिलाड़ी ज़्यादातर अपने स्तर पर ज़्यादा कुछ कर पाते हैं, क्योंकि सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, सरकारी स्कूलों में जितने वो है सुख संसाधन नहीं है, लेकिन जो हमारी स्वयंसेवी है, जो हमारे जो संघ है अजमेर में है एक राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ, वो उनकी अपनी टीम है, वो बहुत बढ़िया है, और उस टीम से भी मैं कई सालों से खेलता आया हूँ, और उस टीम उनकी जो सुविधाएं हैं वो अपनी स्तर पर पूरी प्रदान करते हैं। राजस्थान में कितने दृष्टिबाधित खिलाड़ी होंगे सर अभी आपके अंदाज से? खिलाड़ी तो बहुत है, क्योंकि हमारे राजस्थान में हर जिले में लगभग स्कूल है, संस्थाएं हैं जी, तो हर संस्था की अपनी अपनी टीम होती है। अच्छा, यानी हर जिले में खिलाड़ी मिल जाएंगे जी, अगर सरकार चाहे तो ये और ऊपर स्तर तक अपना राजस्थान जा सकता है इस मामले में। राजस्थान वैसे भी देखो बिना किसी मदद के नंबर 1 पे है। अच्छा, अगर चाहे तो सरकार की थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो राजस्थान के खिलाड़ी इंडिया टीम में अधिक से अधिक हो सकते हैं। अभी आपको मिला है हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेंद्र जी वर्मा से, इन्होंने हमारे को अपने अनुभव बताए, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका टीवी के लिए सांबर लेक से राजीव श्रीवास्तव।